डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीजन और सल्फ़र का आपस में कंपैरिजन स्टार्ट किया था और हमने सिमिलैरिटीज़ देखी थी। देर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। मसलन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2s2 2p4, या आउटर मोस्ट शेल की मैं लिख रहा हूँ। इसी तरह सल्फ़र की जो है दैट इज़ 3s2 3p4। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे आर बोथ सिमिलर। इसके अलावा बोथ आर डाइवेलेंट, दैट मीन्स दे मेक टू बॉन्ड्स। थर्डली दे एग्जिबिट एलोट्रॉप्स, ऑक्सीजन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं और सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा दोनों पोलियटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोनों के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 और सल्फर S2 या S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा वी सॉ के ऑक्सीजन और सल्फर दोनों जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज़ अगेन अ कॉमन प्रॉपर्टी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं दोनों की -2 हैं। उसके बाद वी सॉ कि जब ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं तो दे बोथ मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, दे डोंट मेक आयनिक बॉन्ड। जब मेटल्स के साथ होते हैं तो दे शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट विद नॉन मेटल्स दे मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। आफ्टर दैट वी सेड दैट दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स इन नेचर। ना ऑक्सीजन मेटल है और ना ही सल्फर मेटल है, तो दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। एंड देन लेट्स राइट इट हियर द लास्ट प्रॉपर्टी के ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनकी जो अकरेंस है दैट इज बोथ इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में भी पाया जाता है और किसी कार्बोनेट के अंदर, मसलन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या किसी मिनरल के अंदर इस फॉर्म में भी पाया जाता है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर सल्फर। इन सिमिलैरिटीज से हमें नज़र आ रहा है कि देर आर मैनी थिंग्स विच आर कॉमन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, बट अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर मैनी डिफरेंसेज टू एट द सेम टाइम। बहुत सारे इनकी आपस में डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस भी हैं, डिससिमिलैरिटीज, और आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर। हम इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, हम इनको एक चार्ट की फॉर्म में देखेंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड ऑन द राइट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सल्फर। द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इज द नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स, नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स। ऑक्सीजन के आपको पता है एलोट्रॉप्स होते हैं, नो डाउट आप अब तक क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन या तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज प्योरली ऑक्सीजन गैस, और इसको हम फिर ऑक्सीजन गैस नहीं, इसको हम ओजोन बोलते हैं, ठीक है। बट दिस इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड्स के साथ अगर आपस में बॉन्डेड हो तो वी कॉल इट O2, और अगर तीन ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए हों O O एंड O, कि एक साइड पे देर इज अ डबल बॉन्ड एंड देर इज अ सिंगल बॉन्ड ऑन द अदर साइड, एंड देन द सिंगल एंड द डबल बॉन्ड दे कीप स्विचिंग, वो वाला कभी इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला कभी उस साइड पे आ जाएगा। सो इन दिस वे दिस वन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन प्रोबेबली हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। यू कैन लुक इनटू इट व्हिच वन हैज अ नेगेटिव चार्ज, बट द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स हैं आपस में ये रेजोनेट करते रहते हैं। नाउ यू सी देर आर टोटल ऑफ टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, 1O2 and 1O3। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सल्फर, इट हैज मोर देन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसकी पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती है दैट इज रोम्बिक सल्फर, देन देर इज अ मोनोक्लिनिक सल्फर एंड देन प्लास्टिक सल्फर। जो पहली दो इसकी टाइप्स हैं दे आर बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एंड प्लास्टिक सल्फर इज अमॉर्फस फॉर्म। ये इमेज मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था आपके साथ। दिस फर्स्ट वन इज रोम्बिक सल्फर, द सेकेंड वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर, यू कैन सी दिस इज नीडल लाइक स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज प्लास्टिक सल्फर में जिसमें बिल्कुल ही वो डार्क ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, इट हैज टू एलोट्रॉप्स एंड दिस सल्फर हैज थ्री एलोट्रॉप्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस, वी एक्सटेंड दिस लाइन। जो नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू
कि जो इनकी स्टेट है वो डिफरेंट है, स्टेट या जिसको हम फेज कहते हैं। जो ऑक्सीजन गैस है, जैसे कि हम इसको बोलते ही गैस है, इट इज़ बेसिकली अ गैस एट रूम टेम्परेचर। बट इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, द स्टेट ऑफ सल्फर इज नॉट गैस एट रूम टेम्परेचर, रादर इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है रूम टेम्परेचर पे ये नॉर्मली रोम्बिक सल्फर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक हो गया ना। अच्छा, यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम सेइंग रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहना जरूरी है। इसकी रीजन ये है कि कोई भी मटेरियल है वो हर टेम्परेचर पे उसकी अलग स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट वाटर, H2O, अब H2O को मैं अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे लूँ तो H2O सॉलिड होता, क्योंकि 0 से कम कोई भी टेम्परेचर हो तो H2O की स्टेट बदल चुकी होती है, वो सॉलिडिफाई हो चुका होता है। मैं अगर 0 से 100 के दरम्यान कोई भी टेम्परेचर लूँ, 0 इसको लेट्स कॉल इट T इज less than 100, अगर मैं कोई भी टेम्परेचर लूँ सो इट वुड बी अ लिक्विड। एंड देन अगर मैं 100 से ज़्यादा कोई भी टेम्परेचर लूँ, इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 100, इट इज़ गोइंग टू बी अ गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। सो टेम्परेचर मैटर्स। और हम जब पानी की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर इज नॉर्मली अराउंड 25 या 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर वाटर इज ऑलवेज लिक्विड, ऑल राइट। सो इन अदर वर्ड्स, ऑक्सीजन गैस हैज़ गॉट अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका मतलब है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। वैसे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, चीज़ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाती है। लेकिन अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत थोड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा, लेट्स से कि आपका -50 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन O2। अब क्या होगा कि -50 से ऊपर का अगर टेम्परेचर होगा, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर जब 100 से ऊपर था तो क्या था कि वो गैस में बदल गया था, इसी तरह जब -50 से ऊपर का टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन गैस जो होगी वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, इससे नीचे वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ऑल राइट। ऑन द अदर हैंड, सल्फर इज गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इट इज अराउंड 300 to 500 के दरमियान डिग्री सेल्सियस में इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू टेक इट, ब्रिंग इट इन टू अ गैस। ये एक और डिफरेंस हमने देख लिया स्टेट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिफरेंस, सॉल्युबिलिटीज। इफ यू ट्राई टू डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस इन वाटर, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, इट इज पार्शली सॉल्युबल इन अदर वर्ड्स, ठीक है। किसी हद तक ये डिसॉल्व हो जाता है बट ओवरऑल डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। और इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपने एक्वेरियम्स देखे हैं, सबने देखे हुए होंगे, सॉरी एक्वेरियम थोड़ा रियलिस्टिक सा मैं बना देता हूँ, या दिस इज हाउ एन एक्वेरियम लुक्स लाइक, और इसके अंदर आपके अंदर फिश होती है। नाउ आपने अक्सर देखा होगा यहाँ से कुछ बबल्स ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली कोई मोटर लगी हुई होती है जिससे एयर जो है वो यहाँ से सक हो रही होती है नीचे एक पाइप से, और वो यहाँ से ऊपर जा रही होती है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, वो क्या करता है, ये पाइप यहाँ से O2 गैस को सक करता है, ठीक है। और वो जो O2 गैस है वो पानी के अंदर से होती हुई ऊपर जाती है, इससे क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। अब फिश जो है वो कहाँ पे होती है, फिश जो कि पानी के अंदर होती है, यहाँ पे एक मछली है, सॉरी अगर मैं मछली ठीक नहीं बना पा रहा, नाउ दिस इज अ फिश। अब जो फिश जब ब्रीथ करती है, जब ये सांस लेती है, तो फिश ऑक्सीजन गैस तो ब्रीथ नहीं करती ना, फिश तो पानी इनहेल करती है। तो जो पानी के अंदर से जो फिश की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होती है, कि जो पानी के अंदर जो कुछ ऑक्सीजन मिक्स हुई हुई थी ना, फिश वहां से अपनी ऑक्सीजन पूरी करती है, ठीक है। ये पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऑक्सीजन गैस पानी में किसी हद तक डिजोल्व हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, एंड इफ यू मिक्स सल्फर इन वाटर, ऐसे ही नॉर्मली इस फॉर्म में होता है, अगर आप इसको डालो तो इट इज इनसॉल्यूबल, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नॉट एट ऑल, ऑल राइट, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। सल्फर जो होगा वो आप डालोगे तो वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे जाके बैठ जाएगा, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आप पत्थर डाल दो पानी के अंदर तो वो मिक्स नहीं होगा, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ऑल राइट।
लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट डिफरेंस इज कंबस्टिबिलिटी. कंबस्टिबिलिटी, यू माइट बी फेमिलियर विद दिस. एक्चुअली ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ की कंबशन होती है सो समथिंग रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, एक कार्बन ले लो या कार्बन का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मैथेन ले लो, एथेन ले लो, कोई एसिड ले लो, वट एवर. इफ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है या कंबशन हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच CO2 इज फॉर्म्ड. एंड नॉर्मली एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन देर इज सम एनर्जी विच इज इवॉल्व्ड. ठीक है, और ये इस एनर्जी का साइन नेगेटिव में होता है. इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हेल्प्स इट फर्दर कंटिन्यू. वो उसको कंटिन्यू रहता है ये रिएक्शन, और नॉर्मली फ्लेम प्रोड्यूस होता है. तो इस वजह से हम इसको कंबशन कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को. अब ऑक्सीजन जो है ये कंबशन में हेल्प करती है. ठीक है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ऑक्सीजन जो है वो खुद कंबस्ट नहीं होती, यानी ऑक्सीजन को आग नहीं लगती. अगर किसी चीज़ को आग लगी हुई है, मसलन यहाँ पे आपने CH4 गैस ली हुई थी, मैथेन गैस ली हुई थी, अब मैथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एंथैल्पी कुछ आपको मिलेगी, कुछ हीट ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगी जो एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये रिएक्शन है. अगर ऑक्सीजन ना हो तो देर इज नो कंबशन. सो ऑक्सीजन के बारे में कंक्लूजन ये निकलता है दैट O2 हेल्प्स इन कंबशन, इट इज़ नॉट कंबस्टिबल. कंबस्टिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को खुद आग लग जाना. नाउ सल्फर जो है, सल्फर इज इट्सेल्फ कंबस्टिबल, यानी इट डज नॉट हेल्प इन कंबशन. कंबस्टिबल आई मीन टू से कि अगर आप CH4 लो और इसके अंदर आप सल्फर डालो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो सेंस ही नहीं बनती. आपने एक गैस ली है, उसके अंदर आप एक सॉलिड मटीरियल डाल रहे हो, तो नथिंग विल हैपन, नो कंबशन, बिकॉज सल्फर डज नॉट हेल्प इन कंबशन. अगर यहां पर ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन से तो फिर कंबशन हो जानी थी. नाउ इंस्टेड सल्फर एक ऐसा मटीरियल है कि अगर इसको आप कंबस्ट करने की कोशिश करो, यानी इसको आप आग लगाने की कोशिश करो, तो आग लग जाती है. S+O2 आप करो तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ठीक है, जब आप इसे नेक्स्ट टॉपिक्स में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन देखोगे, यू माइट बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टू रिएक्शंस, ऑल्दो यू हैव स्टडीड देम प्रीवियसली इन योर कोर्स. सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस का बनना हमें यह बता रहा है कि सल्फर इज इट्सेल्फ कंबस्टिबल, यानी इसको खुद कंबशन हो जाती है, इसकी बजाय इसके कि ये कंबशन में हेल्प करे. सो कंबस्टिबिलिटी का एक बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर. लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट मेजर डिफरेंस इज, आई एम गोइंग टू राइट इट विद ब्लू, रिएक्टिविटी के अंदर अब हम तीन किस्म के आगे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी विद वॉटर. ठीक है, अगर वाटर के साथ आप रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ. ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, वेरी क्लियर, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर ऑक्सीजन गैस को पानी के अंदर आप डालोगे तो वो डिजॉल्व तो हो जाएगी बट केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि एक एलिमेंट ए को एलिमेंट बी के अंदर डाल दो या किसी कंपाउंड बी के अंदर, तो ये हमेशा रिएक्शन हो जाता है, जरूरी नहीं होता. फॉर एग्जांपल इफ आई पुट NaCl इन कोल्ड वाटर, तो क्या होगा कि Na जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Na+ में चेंज हो जाएंगे और Cl मॉलिक्यूल Cl- में, NaCl जो है वो टूट के Na+ और Cl- में चेंज हो जाएगा, और Na+ के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसको घेर लेंगे, क्योंकि वाटर की जो नेगेटिव साइड होती है वो ऑक्सीजन होती है. सो वाटर इस तरीके से आके Na पॉजिटिव को घेर लेगा. इस प्रोसेस को हम डाइसोल्यूशन कहते हैं, और ये आप अपने प्रीवियस कोर्स में पढ़ चुके हुए हो. अब यहाँ पे डाइसोल्यूशन का फिनोमिना हो रहा होगा, ना कि रिएक्शन हो रहा होगा. रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये Na+ जो है ये किसी एक हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बना देगा और सिर्फ फिर उसी के साथ बॉन्डेड रहेगा, जबकि डाइसोल्यूशन में यह हो रहा होता है कि एक ही Na+ के गिर ढेर सारे हाइड्रोक्साइड्स ने या पूरे पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको घेरा हुआ होता है. एंड द सेम इज ट्रू फॉर क्लोराइड. क्लोराइड के गिर वाटर की हाइड्रोजन वाली साइड सामने आ जाती है, क्योंकि दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है,
सो ये ढेर सारे इसको वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉल्व होना। अब डिसॉल्व होने और रिएक्शन होने में क्या फर्क होता है? अगर तो कोई चीज आप डिसॉल्व करो और वो ये जो इनके इसके साथ बॉन्ड्स हैं या आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होने लग जाएं और ये वाले बॉन्ड्स वीक होने लग जाएं, यानी रिएक्शन अगर फीजिबल हो तो क्या होगा कि डिसॉल्यूशन का प्रोसेस रिएक्शन में बदल जाएगा। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमेशा डिसॉल्यूशन रिएक्शन में बदल जाए। इट इज पॉसिबल कि आप NaCl को पानी में डालो और हीट करो तो रिएक्शन हो जाए, बट नॉर्मली जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो वो सिंपली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता। एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि अगर NaCl पानी के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोसाइड एंड HCl। डू यू थिंक कि हम जब नमक खाते हैं और जब पानी पीते हैं तो हमारे पेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है? इस तरह तो जनाब हम तो दिन में बहुत नमक खाते हैं और पानी तो पीते ही हैं, सो हमारे पेट में तो बहुत ज़्यादा जनाब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इससे तो हमारी डेथ कॉज हो सकती है। इट्स वेरी टॉक्सिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यू मस्ट बी क्लियर कि एक्चुअली ये नहीं हो रहा होता बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा इन दोनों का आपस में। मे बी अगर कंडीशंस फिजिबल हों तो रिएक्शन हो भी जाए, बट नॉर्मली स्टमक के अंदर सिंपली डिसोल्यूशन हो रही होती है। विद ऑल दैट बींग सेड, नाउ आई कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। द पॉइंट वॉज कि ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद वॉटर, ठीक है? एंड आई क्लियर इट हियर जब मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जिक्र किया था कि ओ टू को अगर पानी के अंदर डाला जाए तो इट इज पार्शली सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब है डिजोल्व हो जाती है, रिएक्ट नहीं करती। सो आई कम बैक हियर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं करती, अलबत्ता हल्की सी डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सल्फर, सल्फर के बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि इफ यू पुट सल्फर इन वाटर एंड यू ट्राई टू डिसॉल्व इट, इट डज नॉट डिसॉल्व, इनसॉल्यूबल था, पहले मैं बात कर चुका हूं ना। अब आप क्या करो कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दो। आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, इस 100 डिग्री से भी ज्यादा कर दो टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? स्टीम में चेंज हो जाएगा। ये बॉइलिंग वाटर जब 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है जो पानी स्टीम में चेंज हो जाता है। अब अगर आप स्टीम के अंदर सल्फर को पास करवाओ, ठीक है, आप स्टीम पास करवाओ सल्फर के अंदर से, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर है, तो तब रिएक्शन हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल पानी के अंदर सल्फर का ना डिसॉल्व होता है ना रिएक्ट करता है सल्फर। अलबत्ता अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाओ तो क्या होता है कि सल्फर रिएक्ट कर जाता है, एक तरह से रिएक्शन फिजिबल हो जाता है और आपके पास क्या बनता है? एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है? इस रिएक्शन को आप बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहते हो, एस प्लस H2O मेक्स H2S प्लस SO2। नाउ यू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑल द थिंग्स हियर, टू ऑक्सीजन यू पुट टू हियर, एज अ रिजल्ट देर आर 4 हाइड्रोजन्स हियर, टू हियर, नाउ 2 सल्फर ये और तीसरा सल्फर ये। दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड रिएक्शन, मीन्स के जो बैलेंसिंग ये 3 सल्फर्स और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड अ सिंगल सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से स्टीम के साथ तो रिएक्शन हो जाता है, रिपीट, यहाँ पे गैसियस फॉर्म के अंदर है पानी, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर सल्फर का रिएक्शन ना तो रिएक्शन होता है और ना ही वो डिसॉल्व होता है। सो दिस वाज द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अंदर पहली हमने रिएक्टिविटी विद वाटर देख ली दोनों की, और ये दोनों की आपस में डिफरेंट है, ये कोई एक ही प्रॉपर्टी नहीं है जो दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही हो। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्टिविटी इज विद एसिड्स। अगर आप ऑक्सीजन को किसी एसिड के अंदर डालो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देर इज नो रिएक्शन। और मैं इससे अगला जो पॉइंट है वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूं, दिस वॉज सॉरी बी, एंड इससे नेक्स्ट है अल्कलीज या बेसिस जिनको हम कहते हैं। इफ यू पुट ओ टू इन अ बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन देर इज नो रिएक्शन। ओके, ऑक्सीजन की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं, मसलन ऑक्सीजन कंबस्टन वगैरह में हेल्प करता है, इसके अलावा ऑक्सीजन कोई खास रिएक्शन शो नहीं करता। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, और सल्फर की आप एसिडिक रिएक्शंस की बात कर रहे हो कि सल्फर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि सल्फर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मसलन रिएक्ट करवाओ H2SO4, अब सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप
अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड के बारे में आप पढ़ चुके हो, HNO3 पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होता है कि अगर आप सल्फर को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है कि वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करा देगा, क्योंकि सल्फर तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरीके से जब HNO3 के साथ आप सल्फर रिएक्ट कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, क्योंकि सल्फर के बारे में आप पढ़ चुके हो कि सल्फर को तो इवन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवाया जाए तो SO2 गैस बन जाती है, क्योंकि सल्फर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना पॉसिबल है, या सल्फर की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। इन अदर वर्ड्स, ऑक्सीजन ये रिएक्शन इस वजह से नहीं शो करता, मैं अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट करा भी दूं H2SO4 के साथ तो नथिंग विल हैपन, क्योंकि H2SO4 क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। अब ऑक्सीजन तो खुद ऑक्सीजन है, उसने क्या ऑक्सीडाइज होना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ना, अलबत्त सल्फर तो हो सकता है ऑक्सीडाइज। तो सल्फर को ऑक्सीडाइज हम करा सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद सर्टेन एसिड्स, एज ए सेड अबव। नाउ ये जो नीचे वाला पॉइंट था कि अगर पॉइंट था जो कि अगर हम अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है। अब सल्फर ये प्रॉपर्टी शो करता है कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज, सल्फर प्लस सोडियम हाइड्रोसाइड, सो व्हाट इट मेक्स इज इट मेक्स कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स। फॉर एग्जांपल इट विल मेक सोडियम सल्फाइड, और इन अदर वर्ड्स इट मेक्स कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड थायोसल्फेट्स, थायोसल्फेट्स। लेट्स नॉट गो इन टू द डिटेल ऑफ व्हाट थायोसल्फेट्स आर, यू शुड जस्ट मेमोराइज के सल्फर बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है? सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, Na2S होता है सोडियम सल्फाइड, बिकॉज इट्स अ मेटल। तो यहाँ पे सल्फर नॉन सल्फर विद मेटल्स माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे माइनस टू एंड मेटल इज प्लस वन, सो Na2S आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। ऑल राइट, हो गया यहाँ तक भी। नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइनल प्रॉपर्टी ओनली, बल्कि नॉट एग्जैक्टली द फाइनल, वी हैव द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। लास्ट टाइम आई सेड कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस टू फॉर ऑक्सीजन एंड माइनस टू फॉर सल्फर, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑक्सीजन सिर्फ माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन सल्फर जो है वो माइनस टू के अलावा भी शो करता है। ये प्लस टू भी शो करता है, प्लस फोर भी शो करता है, प्लस सिक्स भी शो करता है, बल्कि इसके अलावा ये प्लस वन प्लस टू वगैरह भी शो करता है। आई पुट इन अ चार्ट हियर आपको ये समझाने के लिए कि सल्फर किस तरीके से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा अगर, तो ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, जिस तरह अभी मैंने कहा था सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें आप देखो सोडियम प्लस वन चार्ज है और सल्फर माइनस टू चार्ज है, तो टू इधर नीचे आ जाएगा, Na2S बन जाएगा सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं सोडियम पर सल्फाइड या हाइड्रोजन पर सल्फाइड, यू कैन कॉल इट, ठीक है, या सिंपली सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, वो माइट बी कंफ्यूजिंग क्योंकि वो हम उसको बोलते हैं। S8 के अंदर अगर आप देखो तो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जीरो होती है सल्फर के ऊपर, ठीक है। S2Cl2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप SK को x लो और दो के ऊपर हो जाएगा 2x, क्लोरीन एक के ऊपर होता है 1 माइनस 1, दो के ऊपर हो जाएगा माइनस 2, दोनों को ऐड करो 2x माइनस 2 मस्ट बी 0 बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज 0 है, यहां से आपके पास x की वैल्यू प्लस 1 आ जाती है, ठीक है। आप इस तरीके से इन मुख्तलिफ की इक्वेट कर सकते हो। द इंटरेस्टिंग थिंग इज आपको ये सारे कंपाउंड याद नहीं रखने, आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फर शोज मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट कैन शो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 टू एंड हाफ 3 4 5 6, जो इधर कंपाउंड्स के नंबर्स अगर आप देखो ना, 6 में आपको देखो ढेर सारे कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, यानी प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट खासी ज्यादा पाई जाती है सल्फर के अंदर। इसी तरह प्लस 4 के आगे आपको ढेर सारे कंपाउंड्स लिखे आ रहे हैं या रेडिकल्स लिखे आ रहे हैं, या आपको ये बता रहे हैं प्लस 4 और प्लस 6 बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द सेम इज ट्रू फॉर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जो पहले मैंने आपको जुबानी बताया था कि माइनस 2 प्लस 2 प्लस 4 एंड प्लस 6, दीज आर द फोर अबंडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सल्फर इनके अलावा बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे शो करता है उसका ताल्लुक इस बात से है कि सल्फर के जो आखिरी शेल है, दैट इज 3s2
3P4, दिस इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसे पिछले शेल्स की मैं नहीं लिख रहा। अब इसके बाद क्या होता है, 3P के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 3P के बाद आता है 4S और उसके बाद 3D, ठीक है। यानी द डी शेल इज प्रेजेंट, डी शेल इज प्रेजेंट। इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 2s2 और 2p4 है। अब सेकेंड में 2s2 2p4 के बाद क्या होता है 3s2, उसके बाद क्या होता है 3p6, यानी आगे कहीं पे भी हमें वो नहीं नजर आ रहा, डी शेल नजर नहीं आ रहा। और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि सेकेंड शेल में डी शेल होता ही नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स लेट्स जस्ट रिमूव दिस, डी शेल इज एबसेंट। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी शेल, सल्फर को यह फायदा होता है कि जो सल्फर के 3p4 के चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये किस तरह के हैं, 3p आपका इस तरह होता है, ठीक है, चार होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और चौथा यहां पे। और मैं 3s2 को भी बना देता हूं, 3s2 आपका यूं होता है। ये आपका जनाब आखिरी शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के। अब होता यह है कि यहां पे आगे वेकेंट डी शेल पड़ा हुआ है, वेकेंट का मतलब खाली डी शेल पड़ा हुआ है। डी शेल के आपको पता है फर्दर 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। अब ये जो यहां से एक ऑपोजिट स्पिन के साथ है, ये यहां से मूव कर जाता है एक इलेक्ट्रॉन यहां पे विद द सेम स्पिन। अब क्या होता है, चार ऐसे ऑर्बिटल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 जो कि अनबॉन्डेड हैं। इन चारों के साथ एक एक बॉन्ड बन सकता है, यानी सल्फर अब क्या करेगा कि 4 ± 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देगा, ठीक है, एंड बेटर इट शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल राइट। और एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो यहां पे एक एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन पड़ा हुआ है, ये भी यहां से मूव करके इधर एक वेकेंट डी ऑर्बिटल में आ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनबॉन्डेड हैं, तो सल्फर अब क्या करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देगा, जैसे कि यहां पे थी। तो +4 और +6 की स्टोरी मैंने आपको समझा दी है, और बाकी स्टोरीज भी आप बहुत इजीली समझ सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देर इज अ वेकेंट डी शेल प्रेजेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स मे शिफ्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेसेज टू द वेकेंट डी शेल्स, हायर एनर्जी स्टेट्स में वो शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती हैं। और ऑक्सीजन में ये इस वजह से नहीं होता बिकॉज द डी शेल इज एब्सेंट। द फाइनल प्रॉपर्टी, जिसके बाद हम हल्का सा समराइज करेंगे एंड विल क्लोज दिस टॉपिक, द फाइनल प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन जो है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स, इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑन द अदर हैंड सल्फर इज डायमैग्नेटिक का मतलब यह होता है कि इट हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल मैग्नेटिक फील्ड्स। वैसे तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा डिटेल मांगती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल के व्हाई इज दिस पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने MOT पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, उससे एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर तो आपके पास यूं आपने देखा था ना सिग्मा, यूं आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पड़े हुए होते हैं कुछ यूं करके, अब आपके पास अगर तो अनबॉन्डेड पेयर्स पड़े हुए हों, यहां पे अगर आपके पास दोनों स्पिन आपस में कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल नहीं कर रहे बल्कि इसकी भी +1/2 है और इसकी भी +1/2 है, सो ओवरऑल एलिमेंट की जो मॉलिक्यूल की स्पिन हो जाएगी वो हो जाएगी +1/2 +1/2 +1। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक और मॉलिक्यूल कंसिडर करो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इसकी भी 0 हो गई, ये +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्पिन 0 हो जाएगी। सो अगर किसी मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्पिन 0 हो तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, और अगर ओवरऑल मैग्नेटिक स्पिन जो स्पिन है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 ना आ रही हो तो हम उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर तो पैरामैग्नेटिक है यानी स्पिन 0 नहीं आ रही तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है, यानी अगर कोई स्ट्रांग मैग्नेट उसके पास आके रख दो तो उसको खींचेगा, और अगर तो वो सारी स्पिन आपस में कैंसिल हो रही थी यानी वो डायमैग्नेटिक था, ऑल स्पिन कैंसिल यानी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड्स को फिर रिपेल करता है, अट्रैक्ट
नहीं करता। एक तीसरी भी चीज़ होती है जिसको हम फेरोमैग्नेट्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करने लगा। विल टॉक अबाउट देम व्हेन द टॉपिक कम्स, अगर उस जैसा कोई टॉपिक हुआ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स प्रिपरेशन एट इट्स पर्टिकुलरली इट्स रिएक्शंस, जो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं विद एसिड्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।